देखो उधर देखो इधर देखो उधर उधर अंकल नवरात्रि उत्सव के आठवें दिन जय साईनाथ मित्र मंडल के तत्वावधान में महाभंडारा का आयोजन होता है और इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाभंडारा का आयोजन हो रहा है और महाभंडारा में सैकड़ों लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और महाप्रसाद का लाभ ले रहे हैं। देख सकते हैं कि कितना मनोरम दृश्य, महाभंडारा में लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं और लंबी कतार में खड़े होकर के महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए यहाँ प्रतीक्षा में हैं। और देखिए जय साईनाथ मित्र मंडल के कार्यकर्ता कितने प्रेम पूर्वक लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत और मनोरम दृश्य है। यहाँ बैठने का भी व्यवस्था है और चूँकि संख्या ज़्यादा होने के कारण लोग प्रसाद लेकर के जगह जगह बैठ रहे हैं और महाप्रसाद का आनंद ले रहे हैं। ये जय साईनाथ मित्र मंडल का महाभंडारा का ये अद्भुत दृश्य जो हर साल होती है ये महाभंडारा, और इस महाभंडारा में सैकड़ों लोग लाभ लेते हैं। जय साईनाथ मित्र मंडल के महाभंडारा में उपस्थित श्रद्धालु यहाँ महाप्रसाद का लाभ ले रहे हैं। चल जा बउआ हुआ है बउआ पाछा के लबा पाछा पाछा लाइन में कोई भी वीआईपी कोई भी नहीं है, सब एकदम लाइन में रहने का। जय साईनाथ मित्र मंडल के महाभंडारा में ये देख रहे हैं कि कितनी लंबी कतारें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अमित भाई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोई भी हो सभी लाइन में खड़े हैं और महाभंडारा का लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और लंबी कतारें हैं। और हर साल ये महाभंडारा का आयोजन होता है जय साईनाथ मित्र मंडल के द्वारा, आठवीं अष्टमी के दिन महाभंडारा का आयोजन होता है और काफ़ी अद्भुत दृश्य है। रात में गरबा भी होता है और दिन में आज महाअष्टमी था तो महाअष्टमी के दिन महाभंडारा का ये आयोजन बहुत ही अद्भुत और मनोरम दृश्य आपके आपको दिखा रहा हूँ। मैं उधर ही बोला था, इधर क्यों आ गए? अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जय साईनाथ मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं भरत सुले जी, और भरत सुले जी काफ़ी ये आयोजन के लिए महीनों पहले से काफ़ी कठिन मेहनत करते हैं तब ये इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिलता है। इनके टीम में जो भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं ये काफ़ी मेहनत करते हैं। और जय साईनाथ मित्र मंडल के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये मित्र मंडल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को एक एकता का यहाँ संदेश देती है। यहाँ समेलपाड़ा में जितने भी लोग रहते हैं चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं सभी लोग रात में आपको दिखाई देंगे यहाँ गरबा में, और यहाँ बहुत ही प्रेम पूर्वक लोग ऐतिहासिक गरबा का आयोजन करते हैं। आज अष्टमी का दिन और अष्टमी के दिन हर साल महाभंडारा का आयोजन होता है। हम बात करेंगे भरत जी से कि ये कार्यक्रम का जो आयोजन होता है काफ़ी सफल होता है,
और क्या कहना है दुर्गा जी के इस महापर्व पर, बताइए। और यहाँ पर अभी भंडारा जय शनिदेव मित्र मंडल की तरफ से भरा हुआ है और सर्व भाविकों को भंडारे का लाभ लेने के लिए बोला है और सब लोग ने लाभ लेना चालू किया है और सर्व मंडल से जुड़े हुए सब लोग आ गए हैं और अच्छे से हम लोग समाज सेवा सर्व भक्तों को करते हैं। और यहाँ जो लोग उपस्थित होते हैं ये कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये समील पड़ा पूरा एरिया का लोग है, बाहर से भी आते हैं लोग, सब अच्छे से गरबा भी होता है, अच्छे से खेलते हैं और अच्छा चलता है, सब लोग सरपान करते हैं, आनंद लेते हैं खेलने का। आज भंडारा उस तरफ से पब्लिक भी बहुत है, सार्वजनिक है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे कि भरत सुले जी हैं और ये जयसानाथ मित्र मंडल के अध्यक्ष थे और आज महाभंडारा का ये आयोजन है। हम बात करेंगे कि हमारे जो स्थानीय जो नगर सेवक हैं राजू ढगे जी, उनका बहुत ही सहयोग रहता है इस मित्र मंडल को और राजू ढगे जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, खुद भी आप देख सकते हैं टीवी के स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहे हैं, ये राजू ढगे जी हैं और ये काफ़ी देखिए कि नगर सेवक हैं और यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके बावजूद भी ये लगे हुए रहते हैं और एक साधारण कार्यकर्ता की तरह लोगों के साथ व्यवहार, इनका कुशल व्यवहारिक व्यक्ति हैं और मैं इनसे बात करूंगा कि ये महाअष्टमी के दिन महाभंडारा का आयोजन है और लोगों को क्या कहना चाहेंगे। राजू ढगे जी हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता की तरह इनका व्यवहार रहता है और यही कारण है कि वर्षों से इस क्षेत्र के एक कार्य सम्राट के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और दो शब्द ये जय साईनाथ मित्र मंडल के द्वारा जो ये आयोजन होता है ये नाला सुपारा में काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी लोग यहाँ प्रेम पूर्वक यहाँ जुड़ते हैं। रात में तो ऐसा सीन रहता है कि यहाँ खड़ा होने का भी जगह नहीं होता है। आज ये लोगों को क्या कहना चाहेंगे नवरात्रि उत्सव पे? जय साईनाथ मित्र मंडल अध्यक्ष भरत सुले और ये जो प्रोग्राम है वो 10 साल से चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है। गरबा प्रेमी जो है उधर पूरे नाला सुपारा से आते हैं और इधर स्पेशल जगह बहुत रहने की वजह से लोग अच्छी तरह से आते हैं और गरबा खेलते हैं। मेरे को लोगों का यही कहना है कि आप सब लोग आओ, देवी का दर्शन लो और आप गरबा भी खेलो और कुछ गलती होती है तो हमको बताओ तो हम गलती सुधार। जय हिंद, जय माता। थैंक यू। ये राजू ढगे जी जो हमारे यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं हर एक कार्यक्रम में, चाहे वो कोई भी पर्व हो कोई भी त्यौहार हो तो सभी लोगों के साथ ये मिलजुल करके व्यवहार करते और साथ में एक्टिव होकर के काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह आज महाभंडारा के आयोजन में लोगों को प्रसाद बांट भी रहे हैं और यहाँ खड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि ये अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन महाभंडारा का ये आयोजन और इसमें जयसानाथ मित्र मंडल के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा तो ले ही रहे हैं, साथ साथ लोग दूर दूर से लोग आए हैं और दूर दूर से लोग यहाँ आकर के महाप्रसाद का लाभ ले रहे हैं। ये काफ़ी अद्भुत दृश्य है, देख सकते हैं कि कितना लंबी कतारें हैं और इतनी लंबी कतारों में लोग खड़े होकर के महाप्रसाद लेने के लिए प्रतीक्षा में हैं और जयसानाथ मित्र मंडल पिछले 10 वर्षों से यहाँ समेलपारा में नवरात्रि उत्सव का आयोजन करती है और काफ़ी सफल आयोजन होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय मिथिला।